भाई तो ले लेंगे, सर्विस सेंटर से कुछ नहीं लग रहे। देखो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो बजाज की सर्विस है ना, उसको बिगाड़ने में सर्विस सेंटर का ही सबसे बड़ा रोल है। अगर शोरूम का रोल 40% है तो सर्विस सेंटर का रोल 60% है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन व्लॉग्स। सो आज देख लो भाई, गर्मी में थकते थकाते मतलब बिल्कुल ऐसे परेशान होते होते, और अभी हम आ गए आपके लिए एक बहुत ही तगड़ा एक्सक्लूसिव एक रिव्यू वीडियो लेके। और ये बहुत लोगों की फेवरेट बाइक भी होगी, क्योंकि भाई मेरी भी है फेवरेट, और बहुत लोगों को समझ में आ गया हो गया होगा, मतलब समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को भाई कौन सी बाइक है। भाई मेरे को ना मतलब बाइक चला के आ रहा हूँ मैं अभी, और अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा, तो इसलिए मेरे वर्ड्स भी लड़खड़ा रहे हैं। समझ सकते हो भाई, जब किसी को कोई फेवरेट चीज़ मिल जाए ना उसकी, और बाइक लवर होने के बाद तो यार वैसे भी क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरे पास वर्ड्स ख़त्म हो गए। बट जिन भाई की ये बाइक है उन भाई के पास ना मतलब वर्ड्स बहुत सारे हैं। इस बाइक के अंदर इतनी सारी कमियाँ हैं, बजाज ने अभी इसमें बहुत सारी कमियाँ छोड़ी हुई है। और भाई मैं मतलब अगर कोई बजाज से कोई वीडियो देख रहा है ना, और अगर आप लोग बजाज तक ये वीडियो पहुँचा सकते हो, तो भाई वीडियो को बजाज तक पहुँचा देना, क्योंकि भाई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है भाई बाइक के अंदर। ये यूज़र रिव्यू है, और भाई ने बाइक काफ़ी चला ली है, और नियर अबाउट 2 महीने हो गए भाई को बाइक लिए हुए, और 2 महीने में भाई ने काफ़ी बाइक चला दी, काफ़ी अच्छा भी। भाई पूरी बाइक के बारे में पूरा रिव्यू, सर्विस से लेके सब कुछ मतलब वीडियो में बताएंगे। और 5 महीने हो गए, 5 हज़ार चल गए ना। हाँ तो 1 महीने में चला दी है भाई, 1 महीने में भाई ने 5 हज़ार चला दी है, तो आप समझ सकते हो कि आपको कितना अच्छा एक रिव्यू वीडियो मिलने वाला है। और ये अपनी बाइक, एक बार आपको बाइक दिखाता हूँ। तो भाई ये अपनी बजाज डोमिना 250, ये आप देख सकते हो। और भाई ये ना पूरी आगे से इतनी ज़बरदस्त लगती है, और इसका जो आगे की ये हेडलाइट्स है बिल्कुल डैवल लुक। भाई देख के इस बाइक को ना पहली नज़र में मेरे को प्यार हो गया था। वो डोमिना 400 थी, बट बजाज ने क्या करा भाई, जो डोमिना 400 नहीं ले सकते ना, मतलब प्राइस सेगमेंट अगर देखा जाए तो डोमिना 250 उनके लिए सेम लुक में सब कुछ सेम है, थोड़ा सा इंजन छोटा कर दिया, लेकिन फील आपको पूरी मिलेगी इसमें भी। तो भाई ये बाइक आप लोगों के लिए है, और अभी आपको इसका एक मतलब रिव्यू वीडियो आपके लिए पूरा मिलने वाला है। और इसका भी ये बाइक 5 हज़ार चल चुकी है, और 5 हज़ार में ये बाइक क्या है, कैसा परफॉर्मेंस है, कैसी क्या चीज़ है, और इसकी 2 सर्विस भी हो चुकी है फ्रॉम द कंपनी, जो 2 फ्री सर्विस होती है वो भी इसमें हो चुकी है। तो सारा कुछ आपको आज वीडियो में पूरा मिलेगा। तो जल्दी से अपने भाई को बुलाते हैं, और भाई का वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर, उसके बाद पूरी बाइक के बारे में जानते हैं कि बाइक में क्या कमियाँ हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराई, सब कुछ मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। साथ अरुण भाई हैं, कैसे अरुण भाई आप? बढ़िया भाई, एक मिनट बोल लेता ताकि बाइक भी आ जाए अपनी सुंदर सी। हाँ बाइक भी आ रही है और आप भी आ रहे हो, तो भाई कैसी लग रही है, मतलब कैसा फील ले रहे हो आप बाइक का पूरा डोमिनार का? देखो डोमिनार का फील तो बहुत सही है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा। अगर इसके जो प्लस पॉइंट है वो ज़्यादा अच्छे हैं, आप जो इसका माइनस पॉइंट है वो इग्नोर कर दोगे। तो भाई एक ना काम करते हैं, पहले पहले हम ना इसके प्लस पॉइंट्स हैं, प्लस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताएंगे, फिर बाकी सर्विस वगैरह का एक्सपीरियंस कैसा है आपको वो भी बताएंगे। तो कुछ पहले प्लस पॉइंट्स हैं, प्लस पॉइंट से आप शुरुआत करो। देखो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं इस पर यही कहूँगा, ये है हाईवे मशीन, ठीक है, सिटी में आपको मज़े दे देगा, बट हाईवे में इसका जो कैरेक्टर है ना वो टोटली चेंज हो जाता है। आपको इसके ऊपर लिटरली बैठ के फील आएगा जैसे आप राजधानी में बैठे हो। इसकी जो पिकअप है बहुत लीनियंट है, मतलब पकड़ती है, कहीं पे भी लैग नहीं आता है, और पिकअप ऐसे पकड़ती है जैसे ट्रेन होती है, जो मैंने राजधानी बोला, ट्रेन की तरफ पिकअप पकड़ती है धीरे धीरे, उसके बाद ये रोड पे चिपक के एकदम चलती है, आप ले जाओ इसको नॉन स्टॉप। मतलब ये कह रहे हो कि ये तो पकड़ना, पिकअप पकड़ना शुरू करती है, छोड़ती नहीं, और फिर उतनी चिपकती जाती है रोड से। हाँ जी भाई, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि मतलब स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है एक तरीके से। आपके साइड से अगर ट्रक भी चला जाए या आपको ट्रक को ओवरटेक करना है, तो नॉर्मल बाइक पे, जैसे इससे पहले मेरे पास छोटी बाइक थी,
तो उसमें भी मैं विंड ब्लास्ट स्ट्रगल करता था, बट इसमें वो है ही नहीं, विंड ब्लास्ट वाला सीन है ही नहीं। तो वो आपने वाइजर भी इतना ऊंचा लगा रखा है कि विंड ब्लास्ट का तो वैसे भी कोई सीन बनता नहीं है। विंड ब्लास्ट मैं आपको उस वे में बता रहा हूँ, जैसे कि मैं चला रहा हूँ मेरा वाला विंड ब्लास्ट नहीं, जो बाइक का विंड बाइक का जो आता है कि एक सर्टन स्पीड में जाके बाइक कांपती है, स्टेबल नहीं रहती, तो इसमें वो वाला इशू है ही नहीं। ये बाइक जितनी तेज है ये उतनी स्टेबल, वेट भी है ना बाइक का फिर। और कुछ बताओ भाई, इतना आपने चलाई है, देख तो ये दिखा दो एक बार ना चलाई कितनी, एक बार पहले ये दिखा देते हैं हम लोग को कि काफी लोग ना विश्वास। तो देखो भाई 4695 टू बी एग्जैक्ट, ठीक है, नियर अबाउट 5000 भाई चला चुके हैं इस बाइक को ना। आपने चला दी 5000 किलोमीटर, अब 5000 किलोमीटर में और इसकी अच्छाई देखते हो, आपने स्टेबिलिटी बता दी, परफॉर्मेंस भी आपने बताई कि परफॉर्मेंस में पिकअप बहुत जबरदस्त है, पिकअप भी जबरदस्त है और चिपक के चलती है। तो भाई अभी बताओ इसकी सिटी के, आपने हाईवे तो बता दिया, अब सिटी के लिए भी तो बताओ ना भाई, क्योंकि जो बंदा लेगा वो हाईवे पे नहीं चलाएगा, उसको सिटी में डेली अप टू डाउन ऑफिस के लिए, तो शायद वैसे आप अप डाउन कर रहे हो ऑफिस से अपने, तो भाई बता दो नियर अबाउट आप डेली कितने किलोमीटर चला रहे हो इसको। देखो मैं डेली बेसिस पे अपनी बाइक 100 किलोमीटर चलाता हूँ डेली, और सिटी के हिसाब से अगर आप इस बाइक का वेट देखेंगे वो 180 केजीज है, बट जब आप ये बाइक चलाओगे आपको ये बिल्कुल फील नहीं होगा कि 180 केजी है, और ये बाइक बहुत एजाइल है, आप इसको निकाल सकते हो, मतलब अगर आपके पास गैप है अच्छा खासा तो आप इसको कटिंग करते हुए भी आप निकाल सकते हो बाइक को, आपको इशू नहीं आएगा। अगर मैं इशू कैसे बता रहा हूँ, अगर आप एडवेंचर 390 चलाओगे, मैंने चलाई है, मैं उसके साथ इसको कंपेयर कर रहा हूँ, तो एडवेंचर 390 में ना आपको मोड़ने में बहुत इशू आएगा, आपको लगेगा बाइक बहुत हैवी है, बट जब आप इसको चलाओगे और अगर तो कैसे भी ज़िगज़ैग करके निकालो, फटाक कर लो, कटिंग कर लो, हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, और क्वालिटी बताओ भाई, क्वालिटी कैसे, बजाज की बाइक लेते हैं लोग सोचते हैं कि भाई क्वालिटी में थोड़ा सा, देखो बजाज की क्वालिटी बहुत सही है, प्रीमियम क्वालिटी है इसकी, क्वालिटी में तो कोई आपको लगेगा ही नहीं कहीं से कम है, ठीक है, स्मूथनेस के मामले में एक नंबर है भाई, स्मूथ है, मतलब कि वो KTM वाला सेम अपना इंजन यूज़ कर रही है ना, इसलिए आप कह रहे हो, एक तो चीज़ ये होगी। बाकी देख लो भाई इसमें आगे भी फ्रंट पे देख लो USD फॉक्स दे रखे हैं, और बाई ब्रेक है, ये देख लो मैं आपको दो बाई ब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स है, तो फ्रॉम द ब्रेम्बो आते हैं, ये ब्रेम्बो की साइड से आते हैं बाई ब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स, ये बहुत सी चीज़ है। और आगे फ्रंट का जो डिस्क साइज देख रहे हो ना आपकी, मेरे को लग रहा है 300 mm ही है, काफ़ी यूज साइज की डिस्क ब्रेक है। और इसमें एक बार बता दो, डुअल चैनल ABS है ना, तो डुअल चैनल ABS, सेफ्टी के पर्पज से भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके ABS ने मेरे को 4 बार बचाया, और वो कैसे बचाया मैं आपको बताता हूँ, मैं लीन बहुत करता हूँ, मैं अपनी बाइक पूरी लीन कर देता हूँ, और मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरी बाइक लीन पे है और आगे सडनली कोई गाड़ी आ गई, जानवर आ गया, और मैंने सडन ब्रेक मारा, बाइक स्टेबल होके नॉर्मल रुक गई। वो बाइक का एक वेट भी है, और दूसरा इसका ABS भी है कि आप कंट्रोल हो जाती है बाइक, तो भाई बाइक का इतना वेट है, तो भाई अगर बाइक का ज़्यादा वेट होता है ना तो उसकी क्या होती है, थोड़ी सी उसकी ब्रेकिंग कमज़ोर हो जाती है। इसकी ब्रेकिंग कैसी है? इसकी आगे की ब्रेकिंग सही है, पीछे की ब्रेकिंग जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, आप भी रिव्यू देखा होगा आपने या नहीं देखा होगा, बट मैं बता देता हूँ कि पीछे की ब्रेकिंग इसकी कमज़ोर है, ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं ना हायाबूसा का ब्रेक ऐसा है कि वो रुकती नहीं है, तो सेम आप वैसे ही थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, अगर आप अच्छा इसका भी वही है, मतलब इसका भी वही हायाबूसा होगी, रॉयल एनफील्ड हो गई, तो ये रुकती नहीं है, अगर आप सिंगल ब्रेक मारोगे तो ये नहीं रुकेगी, इसको टाइम लगेगा, बट मैं क्या करता हूँ, मैं कॉम्बी ब्रेक्स मारता हूँ आगे पीछे के एक साथ, तो वो हो जाता है, रुक जाती है, नहीं चलता और बाइक रुक जाती है, मतलब आप 80 में भी होगे तो हार्डली 1-2 मीटर्स में आपकी बाइक रुक जाती है। भाई कंफर्ट तो बताओ, कंफर्ट कैसा है बाइक का, सब कुछ तो बता दिया आपने, इतनी अच्छी चलती है ये बता दिया, अब कंफर्ट भी तो बताओ ना कि भाई सिटिंग कंफर्ट कैसा है इसका। चलो जो इसका सिटिंग कंफर्ट है तो मैं वो ये कहूँगा कि वो इतना अच्छा नहीं है, जैसे आपका ड्यूक हो गया नॉर्मल KTMs की जो बाइक है, अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो तो आपके जब पिछवाड़े दर्द होते हैं ना, वही सेम इसका है, पिछवाड़े दर्द होते हैं, बट उस चीज़ के लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला, मैंने अपनी सीट पे कवर चढ़ाया है, ठीक है, जो काफ़ी अच्छा कुछ नहीं सीट कवर लगवाया आपने ना, इससे बहुत सही है भाई, बहुत सही लग रहा है ये ना, ये मतलब ये भाई जो ये कहाँ से करवाया आपने, ये बताओगे? ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था और मैंने खुद ही इंस्टॉल कराया। अच्छा ये अमेजोन से मंगवाया है भाई ने और ये खुद चढ़ा है, तो भाई से ना अमेजोन का लिंक लेकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई। ये ना जो NS वाले है ना, NS वाले सुन लो भाई, आपके लिए, आप लोगों के लिए भाई ने जन्नत ढूंढ दी है, NS में लगवा लो भाई, ये आपकी बाइक ना भाई सोने पे सुहागा हो जाएगी। NS की जो पिछली सीट है ना वो बहुत हार्ड आती है,
तो मैं बता रहा हूँ भाई, NS में ये लगवा सकते हो आप, बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। और इसको एक बार लगाओ और आप कितनी सकते हो। तो भाई अब आपके घर में फैमिली में मदर भी होंगी, वाइफ भी होंगे, तो भाई आपने उनको पीछे बिठाया है? मैंने अपनी मम्मी को भी बिठाया, वाइफ को भी बिठाया है। उनका कैसा रिव्यू है? शुरू में उनका रिव्यू ये था, जब तक मैंने ये नहीं लगाया था ना बैकरेस्ट, तो इस बाइक में पीछे बैठने में ये फील आती थी कि अभी हम गिर गए, क्योंकि इस बाइक का पिकअप है ना वो बहुत तेज है। अगर आपने थ्रॉटल दिया तो 100% अगर जिसने पकड़ा नहीं होएगा ना वो गिर जाएगा। तो ये चीज है। तो ये लगाने के बाद वो वाला भी इशू सॉल्व हो गया है। क्योंकि भाई ये क्वेश्चन देख लो, बाइक लेता ना बंदा, इंडियन है हम लोग, तो ये क्वेश्चन सबका होता है कि भाई पीछे अपनी मदर को, बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाना चाहे, किसी को बिठाना चाहे, तो भाई पीछे कंफर्टेबल है कि नहीं लेडीज के लिए? और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, पीछे जो बैठेगा वो एक चीज जरूर बोलेगा कि ये पीछे चढ़ना बहुत मुश्किल है, थोड़ा हार्ड है, मतलब क्योंकि इसमें पीछे यहाँ पे रेस्ट नहीं देगा ना, हाइट ज्यादा है ना, हाइट ज्यादा है, तो हम जैसे छोटी बाइक में हम ऐसे करके बैठ जाते हैं, बट इसमें नहीं है वो, इसमें वो चीज नहीं है, इसमें वो थोड़ी सी हार्ड है, उठी हुई है, उठी हुई है पीछे से, तो ये चीज है। और भाई अब अपना मॉडिफिकेशन बताओ, इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन आपने करवाई हुई है? वैसे मुझे तो काफी दिख रही है, आप शुरुआत कर लो, आगे से स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने ज्यादा करा नहीं, बट अभी भी प्रोसेस है भाई। तो भाई स्टार्ट करो, फ्रंट से बताओ आपने क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन कराई है। मैंने सबसे पहले इसमें ये लगाया है, नंबर प्लेट होल्डर, अच्छा आगे वाला। बट भाई मैंने ना भाई को बोला है इसको यहाँ से निकाल के ना यहाँ पे कुछ देख लो, यहाँ पे फिटमेंट अगर आती हो तो यहाँ पे लगा लो, ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि ये मुझे बेटर लग नहीं रहा उतना। अच्छा भाई अब नेक्स्ट चीज बता दो। और सेकंड चीज मैंने वाइजर लगाया है। भाई ये वाइजर देख लो, बहुत काम की चीज है, ये आपके विंड ब्लास्ट को कम करता है हाई स्पीड पे, तो यह भाई ये ना रिकमेंडेड है जो डोमिनेंट 250 ले रहा है उसके लिए, बाकी 400 में तो आप कंपनी दे ही रही है। बाकी पूरा ना ये ब्लैक कलर में है, और ये पूरा देख लो पूरा ऐसे, मतलब आपकी जो फ्रंट से विंड आएगी उसको ऐसे पूरा ऊपर ही निकाल देगा आपके ऊपर से। चलो भाई ये फ्रंट में हो गया, और बताओ। और इस तरफ मैंने इसमें लगाया मोबाइल होल्डर, ये देखो भाई ये रहा मोबाइल का मोबाइल, ये देख लो। तो ये भी ऑनलाइन मंगवाया आपने सब? तो ये आपने खुद ही लगाया? ये मैंने बाइक का जितना भी सामान है मैंने सब अमेज़न से मंगवाया और खुद इंस्टॉल। अच्छा खुद ही लगाया सब? मंगवा लगाया, कोई वो नहीं है इसमें, बड़ी बात नहीं है, कोई भी लगा सकता है। भाई देख लो कुछ स्टिकर वगैरह लगा रखा है, एक्सोर का स्टिकर लगाया हुआ भाई ने, एक छोटा एडिशन हो रहा है, मैंने ये कवर लगाया इस पे। अच्छा यहाँ पे भी, क्योंकि आजकल की बाइक्स में ये बहुत इश्यू होता है कि ये घिसता है, जूते गंदे कर देता है, तो ये आपने लगा लिया, ये अच्छा करा भाई आपने लगाया, आपके शूज भी बच जाएंगे ना। और एक तो बैकरेस्ट आपने देख लिया, ये बैकरेस्ट लगाया है यहाँ पे प्रॉपर, ये भी खुद लगाया है? हाँ जी भाई खुद लगाया है। क्या बात है, ये वाला जो बैकरेस्ट है डोमिनर के अंदर, एक बार दिखा देता हूँ एक चीज आप समझ जाओगे, देख लो भाई कुछ दिखा रहे हैं। डोमिनर ने बैकरेस्ट के लिए बहुत अच्छी चीज दी है कि आपको अपना जो ये हैंडल ग्रैब रेल है ये हटाना नहीं पड़ेगा, आपका प्रॉपर यहाँ नट्स के स्पेस दिया हुआ है। हाँ। अच्छा ये भाई प्रॉपर स्पेस दे रखा है यहाँ पे, भाई ये देखो कितनी अच्छी चीज़ें, यहाँ पहले स्पेस दे रखा है कि आप लगा के अपना रख सकते हो। और भाई ये आपके कितने काम आ रहा है ये मुझे बता दो। ये अभी तक मेरे कोई काम नहीं आया ना, यहाँ मेरे को लगता भी नहीं है कि ये मेरे कोई काम आएगा, यहाँ पे दो आते हैं वो मैंने उतार दिया है। अच्छा उतार दिया आपने? हाँ। ये दो रखे हुए हैं बस, जब यहाँ पे सैडल स्टे आ जाएगा तो इसका कोई और काम ही नहीं है। सही कह रहे हो, चलो भाई इसको सीट लगा देते वापस। और सीट की आपने सीट को बता दिया, सीट के कवर लगाए कुछ नहीं, सीट कवर्स लगा रखे ताकि थोड़ा कुशन अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए और लॉन्ग राइड आपकी बिना दर्द के चले। और एक देख लो ये भी चीज़ है भाई ने लगाई है, डोमिनर 250 का पूरा आपका की चेन, और ये भी भाई अमेजोन से, भी सब Amazon. कुछ अमेजोन से। और कुछ है भाई जो अपने मॉडिफिकेशन? हाँ इसमें मैंने फ्लैशर लगवाया हुआ है। फ्लैशर लगवाया हुआ है आपने, उसका बस अभी मैं स्टिकर ही दिखा सकता हूँ, ये देख लो। अच्छा फ्लैशर इन्होंने लगवाया था, वो सर्विस सेंटर वालों ने निकाल दिया, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे वीडियो में आगे चल के। और बाकी देख लो भाई ने ना ये टैंक अपना लैमिनेट करा रखा है, थोड़ा सा वो है अपना ब्लैकिश शेड में है, बाकी देख लो सही से करा नहीं जिसने करा है, तो ये उतर रहा है यहाँ से। और बाकी लेकिन करवाया है देखो भाई ने, ये अपने टैंक करवा रखा है और ये साइड पैनल करवा रखा है, क्योंकि जनरली ज़्यादा स्क्रैचेज यहीं पड़ते हैं, तो ये भाई ने करवा रखा है उससे कि अब इनका जो ओरिजिनल पेंट है अंदर बाइक का वो प्रोटेक्ट रहेगा, तो ये अच्छा करा रखा है भाई ने। और बाकी बाइक का नाम मुनमुन, ये देख लो ये लिखा हुआ है, बाइक का नाम है भाई मुनमुन, तो मुनमुन यहाँ लिखा हुआ है। और पीछे देख लो कुछ इस तरीके से लगती है। भाई मेरे को बताओ टायर कब अपग्रेड कर रहे हो तुम इसका? मैंने तो ये सोचा हुआ है कि जब ये टायर घिसेंगे तो मैं इसमें 140 सेक्शन का टायर डलवा। भाई बिल्कुल ये 140 का टायर डलवा देना इसके अंदर ये, क्योंकि ना ये आगे से तो इतनी बढ़िया लगती है और पीछे से उतनी ही बेकार लगती है, सिर्फ टायर की वजह से, सिर्फ टायर से थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि टायर की वजह से पूरी बाइक का लुक खराब हो रहा है, तो बाइक का लुक बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बार देखो, देख रहे हो टायर की वजह से सारा लुक खराब हो रखा, बाकी एग्जॉस्ट ड्यूअल बैरल एग्जॉस्ट दे रखा है, इतनी ज़बरदस्त बाइक है। और भाई बाइक पूरी क्लीन करा के लाए थे, अभी हम ऑफ रोडिंग करते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए इसका हाल थोड़ा सा ऐसा हो गया,
तो बाइक बहुत ही सुंदर है। अभी भाई देख लो बाइक के ना सारे, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ें हमने आपको गिनवा दी, अब भाई कुछ ना नेगेटिव चीज़ बताओ। लेकिन भाई एक चीज़ मुझे पहले भाई वो करके दिखाओ, भाई ने नई चीज़ दिखाई है मेरे को भाई, एक बार तीनों लाइट जला के दिखाओ इसकी आप। ये मुझे नहीं पता था डोमिनार में आती, ये मेरे को भाई ने बताई अभी। देखो एक तो ये लाइट जल गई, ये देख लो आप जो सिंपल अपनी की ऑन करती चल गई भाई, अब और जलाओ। देखो भाई एक अपनी ये आ गई, ये अपने लोबी में हाई भी में, ये देखो भाई ये, भाई ये कितनी सुंदर लग रही है यार, ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं डोमिनार के अंदर है। ये देखो भाई दोबारा करना है एक बार तीनों चीज़, वाओ मतलब यार कितनी प्यारी लग रही है, देख रहे हो सुंदर भाई, बहुत सुंदर लग रही है भाई। यही चीज़ तो भाई डोमिनार बजाज ने पहले ऐसे ऐसे काम करे है ना, बंद को बंद कर देते पहले, बजाज ने ऐसे ऐसे काम करे ना पहले कि फर्स्ट इन कैटेगरी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया भाई बजाज में कौन आके बैठ गया है कि कैसी ऐसी चीज़ें निकाल रहा है जिसका कोई सर पैर नहीं दुनिया में। आ गया कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बजाज में आज तक नहीं आई। भाई बजाज से कोई देख रहा है तो खुद थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा तो भले ही प्राइस इंक्रीज कर दो, हमें पल्सर से डोमिनार से बहुत प्यार है, हम खरीदेंगे, लेकिन उसके अंदर थोड़े फीचर दे दो एक्स्ट्रा यार। अभी इसका एग्जॉस्ट साउंड और सुन लो यार आप पहले, तो ये देख लो, ये तो उसका कुछ एग्जॉस्ट साउंड था बाइक का, और बाइक जबरदस्त एग्जॉस्ट साउंड में इतनी प्यारी लगती है। अब भाई को भाई एक बार आ जाओ फिर से आप फ्रेम में, तो भाई अपने फ्रेम में फिर से आ गए। अब भाई इसके ना कुछ नेगेटिव तो गिनवा दो यार, पॉजिटिव तो हमने जान लिया, नेगेटिव हमें नहीं पता क्योंकि भाई जो वो चलाता है उसी को बताते हैं नेगेटिव। देखो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट इसका है वेट, वेट ठीक है। आप अगर इस बाइक को अगर आपको आगे पीछे करना है तो आप समझ लो कि आपको ना अगर आप किसी के सामने इसको आगे पीछे कर रहे हो ना तो आपको खुद एक तरीके से शर्म आएगी कि मैंने इतनी भारी बाइक ले ली और मैं इसको आगे पीछे नहीं कर पा रहा हूँ, ये इतनी भारी है। ये चलने में भारी नहीं है बट इसको मैनेज करने में बहुत भारी लगती है भाई, बहुत वेट है इस बाइक का, ये तो माननी पड़ेगी। पावर टू वेट रेशियो इसका मतलब बहुत ज़्यादा बेकार है क्योंकि पावर बहुत कम है, वेट बहुत ज़्यादा है, इसका वेट बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ इन्होंने जो इसके नट बोल्ट्स हैं बाइक के वो मतलब कोई अच्छी क्वालिटी की लगी नहीं मुझे, क्योंकि इसके नट बोल्ट्स जैसे पानी आते तो रस्टिंग इशू आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें है काफ़ी सारे नट बोल्ट हैं और इसके साइलेंसर में भी है रस्ट, यहाँ इसमें रस्टिंग आ रही है और अभी यहाँ पे भी है देखो, इसके इसमें भी रस्टिंग है। अच्छा लेग गार्ड में भी रस्टिंग आ गई, गार्ड में भी रस्टिंग, ये देख रहे हो यार रस्टिंग भाई बाइक में भी है ना, नई बाइक में भी सर रस्टिंग का इशू आ गया, देख लो यहाँ पे भी साइलेंसर में भी। तो यार ये भी नई बाइक में, दो महीने पुरानी बाइक में सर रस्टिंग के इशू अभी से ही आने लग गए भाई, ये चीज़ ध्यान दीजिए, थोड़ी क्वालिटी पे ना ध्यान देना चाहिए बजाज को थोड़े। अगर आपसे बजाज 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मांगती बाइक के, आप देते कि नहीं देते? देता, क्योंकि मैं आपको उस बताता हूँ कि जब मैंने ये बाइक बुक कराई थी उसके बाद भी ये इस बाइक के रेट 2 बार बढ़े थे, तो रोहन भाई तो जानते ही हैं, हाँ। आप जाते रहते हो रोहन भाई, तो उसके बाद ही फिर भी जो बाइक है उसकी क्वालिटी जो है उसके चक्कर में मैंने पैसे एक्स्ट्रा दिए। तो ये है कि अगर बजाज अपनी क्वालिटी और अच्छी कर ले जिससे कि रस्टिंग इशू ना आए, तो पैसे अगर चीज़ अच्छी है तो पैसे देने में किसी को कोई हर्ज नहीं। भाई बंदा 2 लाख रुपए दे रहा है, 10,000 और दे देगा, लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए, थोड़ी कोटिंग्स वगैरह जो आपने करी ना साइलेंसर के ऊपर और ये नट्स के ऊपर जो कोटिंग्स होती है इनको थोड़ी सी और बेटर कर दे ताकि रस्टिंग का इशू ना आता बाइक के अंदर ना। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल दिखाओ। इधर आओ। इस बाइक में इन्होंने सबसे बड़ी कमी छोड़ी है, पता नहीं वो इनका क्वालिटी इशू था। ये देखो यहाँ, आप यहाँ पे लाओ, ये देखो पेंट इशू देख रहे हो आप। कहाँ पे कह रहे हो भाई? अच्छा एक मिनट, मैं फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये देख रहे हो? हाँ मैं देख लिया, ये जो चीज़ है ना भाई, हाँ ये चीज़ दिख गई। ये देखो भाई कैसे डॉट डॉट पड़ रहे हैं इसमें, ये अभी से नई बाइक में भाई इतना बुरा हाल, मतलब यार ये चीज़ ना देख के बंदे का दिल दुखता है कि इतने पैसे लगाए हैं उसके बाद ऐसी क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं बाइक के अंदर। ये अगर मैं शुरू में देखता तो मैं ये बाइक नहीं लेता, मैं दूसरी उनको कहता कि इसको रिप्लेस कर दो, बट लेने के बाद दिखा तो मेरे को भी थोड़ा दुख हुआ, बट ठीक है। तो भाई अगर बजाज से कोई देख रहा है, अगर इसके भाई को कोई ये क्वालिटी का जो ये इशू आ रहा है इसको कुछ हेल्प कर सकते हैं बजाज से, तो भाई हेल्प कर देना, इनकी बाइक का नंबर देख लो ये है, तो भाई से कॉन्टेक्ट कर लेना अपने आप बजाज से कोई भी अगर देख रहा है तो, और इनकी बाइक को थोड़ी हेल्प करो अगर इनकी हेल्प हो सकती है तो इसके अंदर कुछ मैंने भी। इस चीज़ के लिए मैंने सर्विस सेंटर पे कहा था, उन्होंने ये कहा कि ये जो रस्टिंग है ना ये इसके चेसी पे, तो इसकी पूरी चेसी बदलनी पड़ेगी तब जाके ये। तो भाई चेसिस पे रस्टिंग आ रही है? हाँ ये चेसी की रस्टिंग, भाई चेसिस पे रस्टिंग आ रही है तो बहुत बड़ा इशू है यार, क्वालिटी का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि भाई पूरी बाइक ही चेसी के ऊपर डिपेंड है, पूरी बाइक के पैरामीटर फ्रेम के ऊपर तो डिपेंड है, अगर पैरामीटर फ्रेम पे ही इसके चेसिस पे ही अगर दिक्कत आ जाएगी
इसमें रस्टिंग आ जाएगी तो भाई अगर बचे क्या, मतलब मेन आपका जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वही खराब हो जाएगा सारी बाइक का, तो क्या बचेगा भाई? और क्या बता रहे थे आप माइनस पॉइंट्स में? हाँ, इसके माइनस पॉइंट में सबसे जो मेरे को सबसे गलत वो इसका जो फ्यूल मीटर है, जो फ्यूल गेज जो अंदर होता है, हाँ, उसमें मेरे को लगता है ग्लिच है। और मैंने बाकी भी डोमिनर यूजर से पता किया है, उनके में भी सेम ग्लिच है। अगर आप इस जैसे आप इसका टैंक फुल करवाते हैं और अगर ये बाइक कंटिन्यूस चलती जाएगी तो इसका जो ये फ्यूल गेज है नीचे नहीं आएगा, इसके इसके जो कांटे हैं वो नीचे नहीं आएंगे। बट जब आप अपनी बाइक ऑन ऑफ करोगे तो उसके बाद ये एक्चुअल अपना अपना फ्यूल दिखाएगी, बट उसमें भी है ना सही रीडिंग नहीं देता है। तो आपने ऐसे कोई कंपनी से अपडेट करा के देखा अब तक, इसमें कोई अपडेट वगैरह आए हो, इश्यू अपग्रेड? नहीं, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कंपनी वालों को भी बताया बट उनके पास कोई जवाब नहीं है। सर्विस सेंटर वालों को बताया, उनके कोई जवाब नहीं है सर्विस सेंटर में ना। तो भाई सर्विस सेंटर वालों का जवाब नहीं है तो भाई इसका जवाब देगा कौन? कोई तो उसके लिए जिम्मेदार। इसका जवाब ये बाइक खुद ही देती है। अब आपने इस बाइक को 10 मिनट के लिए ऑफ करके खड़ा कर दिया, नॉर्मल अपनी रीडिंग दिखाएगा। अच्छा, तो भाई इसके जो फ्यूल में जो यहाँ पे दिखा रहा है इंडिकेशन, बेसिकली उसमें बहुत ज्यादा इशू है। हाँ, तो ये इशू है भाई, ये चीज एक खतरनाक चीज है क्योंकि भाई बंदे को पता नहीं लगे उसके पेट्रोल कितना है, तो वो बहुत बड़ा इशू है। बाइक कहीं भी बंद हो सकती है ना, और इसके अंदर फ्यूल होएगा बट फिर भी बाइक कहेगी मेरे को फ्यूल दे दो क्योंकि ये रीडिंग सही नहीं बताती। तो ये भाई एक इशू है। और भाई और कोई इशू क्वालिटी का या और कोई ऐसे सॉफ्टवेयर इश्यूज कुछ भी? इसमें एक इशू और आता है क्योंकि सेंटर वालों को नहीं पता, बट वो मैंने निकाला था। मैं रोहन भाई को मैं वो दे दूंगा वो वीडियो। अच्छा, वो आप उसमें लगा सकते हो। बता दो एक बार क्या चीज थी वो। इसमें क्या है ना, अगर आप इस बाइक को धूप में खड़ी करोगे तो ये बाइक ना आवाज करती है, ऐसी आवाज होगी आपको लगेगा कोई ECU का इशू है, ठीक है? बट वो इशू ECU का नहीं है, बजाज ने जो ये पोर्ट दिया है ना फ्यूल की गैस निकलने का, ये ऐसी आवाज करती है ना कि बंदा एक टाइम को ना घबरा जाएगा कि मेरी बाइक में से क्या आवाज आ रही है, बाइक भी ऑफ है। ये आवाज करती है ECU की तरह आवाज करती है, चू चू करके। समझ गया, तो ये गैस निकलती है पेट्रोल की तो उसकी आवाज आती है बेसिकली। तो सर्विस सेंटर वालों को बताने को पता नहीं चला, बट एक दिन ऐसे ही धोखे से ही मेरे को समझ में आ गया वो इशू ही है। अच्छा, और अभी आप कुछ सर्विस सेंटर के इश्यूज भी बता रहे थे। हाँ, ये तो सबको ही पता है बजाज की सर्विस कैसी है। चलो भाई शुरू से पूछ लेना वो सर्विस सेंटर वाले। भाई आप सर्विस सेंटर का इश्यूज भी बता रहे थे कुछ। हाँ, जैसे कि देखो लगभग सभी लोग जानते हैं बजाज की सर्विस कैसी है, उनका प्रोडक्ट अच्छा है, बजाज की सर्विस अच्छी नहीं है। मैं ये कहूँगा एज अ बजाज ओनर, जब मैं अब ये बजाज ओनर में बना हूँ उसके बाद मेरे को लगता है कि यार थोड़े और पैसे दे के मैं KTM में स्विच कर लेता, मेरे को उनकी सर्विस और अच्छी मिलती, उनकी हॉस्पिटैलिटी अच्छी है बजाज से। ऐसा क्या हो गया आपके साथ जो बजाज से इतना परेशान हो भाई, क्या दिक्कत हो गई? बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, उनको कुछ बोलो कि मेरी बाइक में ये दिक्कत है। जैसे कि मेरी बाइक में ये नई बाइक है, इस बाइक का वो भी इसका माइनस पॉइंट ही है। अब आप उसको प्रोडक्शन डिफेक्ट मान लो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मान लो, ये जो बोल्ट है मेरा, इस बाइक का जो बोल्ट है ना ये परमानेंट लॉक है, ये कभी नहीं खुल सकता। ये आज सर्विस सेंटर वालों ने भी खोलने की ट्राई करी है, एक ये वाला बोल्ट है और एक उस तरफ वाला बोल्ट है, कभी नहीं खुल सकता, कभी नहीं। भाई तो खुलवाना, कैसे खुलेगा ये? खुलेगा ही नहीं, तो बहुत बड़ा इशू है। आज मैंने उनको बोला कि मेरा जो ये नंबर प्लेट भी है ये सिर्फ दो बोल्ट पे ही टिका हुआ है, दो बोल्ट इसके खाली हैं। क्यों? तो भाई उनको बोलो ना आप खोल के दो सर्विस सेंटर वालों को। बोला वो ये जो बोल्ट है ये स्लिप मार रहा है, इसमें एलन की। सर्विस सेंटर के बड़े इशू बता रहे थे आप यार, क्या दिक्कत हो गई सर्विस सेंटर से ऐसी? बजाज से यार इतना नाराज हो सर्विस सेंटर से यार, आप बजाज की बाइक तो ले लीजिए, सर्विस सेंटर से कुछ नहीं लग रहे। देखो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो बजाज की सर्विस है ना उसको बिगाड़ने में सर्विस सेंटर का ही सबसे बड़ा रोल है। अगर शोरूम का रोल 40% है तो सर्विस सेंटर का रोल 60% है उनकी, बजाज की सर्विस को। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो टेक्नीशियन है वो ट्रेंड नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है बाइक के हिसाब से। टेक्नीशियन मेरे को इतना आइडिया नहीं कि वो ट्रेंड है या नहीं है, बट टेक्नीशियन ऐसे करते हैं ना कि उनसे ज्यादा किसी को नहीं पता, मैं ये कहूँगा टेक्नीशियन का। अब जैसे कि आज ही हुआ, मैंने इसमें बोला उनको पहले दादा भाई आज कौन सर्विस करा के आए हो, अभी आप सर्विस कौन सी करवा के आए हो आप अभी? मैं इसकी सेकंड सर्विस करवा के आया हूँ आज। ठीक है, अब बताओ आगे क्या दिक्कत अभी आपको फेस हुई आज ही आज में? मैं आज ही आज का नहीं, बिल है आपके पास? बिल नहीं है मेरे पास कुछ, मैसेज कुछ बिल नहीं दिया उन्होंने, बिल ही नहीं दिया, बिल भी नहीं दिया आपको? बिल नहीं दिया क्योंकि उनका प्रिंटर खराब था तो भाई बिल भी नहीं दिया। तो थर्ड सर्विस होनी थी तो मैंने कहा ठीक है जब आपका प्रिंटर सही हो जाएगा तो भाई कोई दिखा दो मैसेज कुछ है आपके पास? तो आज का ये मैसेज दिखा,
ये आज ही हो गया ये, ठीक है तो ये देख लो, आज ही सर्विस करवाइए भाई ने, अभी प्रूफ हो गया। भाई क्या दिक्कत आपको इशू फेस करना पड़ा है? ओवरऑल सर्विस इशू बताता हूँ। पहले तो अगर मैं 100 में से बोलूँ कितने पॉइंट दोगे सर्विस सेंटर को? सर्विस सेंटर को मैं 10 भी नहीं दूँ। 10 भी नहीं दोगे? नहीं। चलो भाई, मेरी जो फर्स्ट सर्विस थी मैंने उस टाइम भी इनको 10 में से 3 की रेटिंग दी थी। क्यों रोहन भाई, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। सबसे पहली सर्विस में जिसने मेरी बाइक धोई उसने मेरा रेडिएटर खराब कर दिया। देखो, देख रहे हो कैसे रेडिएटर के जो फिन्स है वो मोड़ दिए प्रेशर मार के। भाई आपने इसके बारे में फिर बोला? मैंने आज ही सर्विस सेंटर को इसके बारे में बताया, उन्होंने मेरे को ये बोला क्लियरली कि आपने बाइक बाहर से धुलवाई होगी। हालांकि मैंने आज तक अभी तक ये बाइक मैंने बाहर से कभी नहीं धुलवाई, मैं खुद धोता हूँ, जहाँ तक मेरे से हो सकता है मैं खुद धोता हूँ। बट उन्होंने मेरे से कहा आपने बाहर धुलवाया, आपने ध्यान नहीं दिया होगा और उसने मोड़ दिया। मैंने उनको सर्विस सेंटर वालों को ये भी कहा कि मैंने बाइक बाहर से नहीं धुलवाई, वो सर्विस सेंटर वाले हैं, उनके आगे कोई बड़ा नहीं है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो भाई देख लो ये एक इशू है, तो बाइक के जो मतलब मेन जो रेडिएटर के जो फिन्स है ना वो भी मोड़ दिए और उसकी भी बाद में उन्होंने बोल दिया भाई हमने तो कुछ करा ही नहीं। भाई ये चीज़ है ना बहुत बुरी लगती है कि बंदा इतने पैसे खर्च करके बाइक लेता है, फिर ट्रस्ट करता है किसी ब्रांड के ऊपर, फिर ब्रांड से ऐसी सर्विस मिलती है ना, ऐसा लगता है भाई क्यों ही खरीद लिए बाइक, मतलब गिल्ट सा फील होने लगता है बंदे को एक टाइम के बाद। भाई और कोई इशू? दूसरा इशू, बजाज सर्विस सेंटर वाले हमें खुद कॉल करते हैं कि सर आपकी बाइक का जो ड्यू है सर्विस वो ड्यू हो चुकी है। ठीक है, ये अच्छा है कि वो हमें याद दिला रहे हैं, याद तो हमें हमारी बाइक भी दिला देती है, उसमें आ जाता है एक इंडिकेशन आ जाता है, इंडिकेशन आ जाती है कि सर्विस ड्यू है। हाँ, बट मेरे को आज का इंसिडेंट बता रहा हूँ, मेरे को सर्विस सेंटर वालों ने पिछले एक हफ्ते से कॉल करना शुरू करा, हर 2-3 दिन वो कॉल करते थे और वो मेरे को यही बोलते थे आप अपॉइंटमेंट लो और आपका काम जल्दी हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, मैंने आज का इंसिडेंट बता रहा हूँ, मेरे को 11 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था, मैं अपनी बाइक लेके गया, उसके बाद 11 बजे जब मैं पहुँचा तो उन्होंने मेरे को डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा कि आपके पहले भी नंबर लगे हुए हैं, अपॉइंटमेंट तो हम बस आपको याद दिलाने के लिए फ़ोन करते हैं, ऐसा कुछ भाई है। देखो ये चीज़ ना भाई ने जो बताई इसके ऊपर ना ये दिक्कत है कि भाई अपना बंदा प्रीसेस टाइम निकाल के जाता है, वो सोचता है कि भाई मैं 11 बजे की अपॉइंटमेंट है तो मैं 11 बजे जाऊँगा तो एटलीस्ट मेरी बाइक 11 नहीं तो 11:30 एक रैम्प पे लग जाएगी सर्विस के लिए और 1.5-2 घंटे में बाइक की सिंपल सर्विस हो जाएगी, इसमें ऑयल चेंज वगैरह होता है ना, तो बंदा अपना टाइम निकाल के जाता है 2-3 घंटा। लेकिन वहाँ पर अगर आपको चीज़ ऐसी मिले ना कि भाई अभी तो नहीं होगा ये है वो है, तो भाई वो चीज़ गलत है, फिर अपॉइंटमेंट लेने का पहले से वो करने का फ़ायदा क्या हुआ, फिर तो बंदा कभी भी जा सकता है, फिर अपॉइंटमेंट वाली कोई चीज़ ही नहीं होनी चाहिए, फिर अपॉइंटमेंट का नाम भी मत रखो आप कि अपॉइंटमेंट लेकर आना है ऐसा कुछ आना, टाइम दे रहे हो ना आप, टाइम उन्होंने खुद दिया ना 11 बजे आपको बुलाया है, तो अगर उन्होंने खुद बुलाया 11 बजे आप खुद बुला रहे हो तो भाई एटलीस्ट उसका 11 बजे आप नहीं तो 11:30 आप उनका सुनो वो क्या कह रहे हो कि बाइक आप रैंप पे लगवाओ, टाइम लेकर आया बंदा, टाइम की वैल्यू रखो। और भाई कोई दिक्कत बजाज से सर्विस में? यही दिक्कत है बजाज की, सबसे मेन वो बस वो सुनते नहीं है। हाँ एक चीज़ और, अगर आप इतनी प्रीमियम बाइक दे रहे हो तो एक कस्टमर को भी ना प्रीमियमनेस फील करानी चाहिए, जैसे कि KTM वाले करवाते हैं अपने कस्टमर को। जो भी आप में से KTM का ओनर होएगा आपको पता है कि आपको कैसी हॉस्पिटैलिटी मिलती है आपके सर्विस सेंटर में KTM के, बट बजाज के सर्विस सेंटर में कुछ नहीं है, आप एक नॉर्मल कस्टमर हो उनके, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कौन सी बाइक है, वेट करना है तो वेट करना ही पड़ेगा आपको, बेशक से वो आपको ना, मतलब आज मेरे को ये फील हुआ कि जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो झांसा देते हैं, एक झांसा दे रहे हैं आपको कि आप 11 बजे आइए, और उन्होंने लिटरली मेरे को ये बोला है, और मैंने उनसे भी पूछा था कि मैं आऊँगा और मेरी बाइक का काम हो जाएगा, उन्होंने मेरे को यही बोल के आज बुलाया था कि आप आ जाओ और हम आप जैसे ही आप आओगे आपका अपॉइंटमेंट है, हम आपका काम करवा देंगे, बट वो नहीं हुआ, टोटली डिसअपॉइंट, पहुँचने के बाद डिसअपॉइंटमेंट हो गई। ये तो बहुत बड़ा इशू है यार, मतलब ना ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जब बंदे को बुलाओ तो प्रॉपरली उसका काम भी होना चाहिए और प्रॉपर बाइक की ना केयर होनी चाहिए। बजाज करो अपने सर्विस सेंटर्स पे ध्यान देना चाहिए, बजाज टाटा की तरह होता जा रहा है मैं ध्यान नहीं दे रहा सर्विस सेंटर्स पे, सर्विस सेंटर पे थोड़ा ना ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर आप गाड़ी बेच रहे हो, आप कोई बाइक बेच रहे हो, क्योंकि भाई डोमिनार आप यार 2 लाख रुपये कॉस्ट कर रही है, डोमिनार 400 भाई 2,70,000 रुपये कॉस्ट कर रही है डेली के अंदर ऑन रोड, भाई बंदा लगभग 3 लाख रुपये लगा रहा बाइक के ऊपर, उसको सर्विस के मामले में कुछ नहीं मिल रही, भाई बंदा यार क्यों लेगा इतनी महंगी बाइक आपकी, क्यों आपकी प्रीमियम बाइक खरीदेगा, उसको प्रीमियम फीचर्स आप दे रहे हो तो उसको प्रीमियम सर्विस भी तो नहीं मिलनी चाहिए ना,
एटलीस्ट बजाज के सर्विस सेंटर्स में एक आपको एक या दो रैम्स तो फिक्स कर देने चाहिए प्रीमियम, जो आपके प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनके लिए, क्या थोड़ी सी प्रीमियमनेस दो, नहीं तो आप सबको प्रीमियम दो यार, आप सबको अच्छी सर्विस दो ना, क्या दिक्कत है, देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? यही तो चीज़ है बाइक, अगर कोई बंदा बाइक ले रहा है प्रीमियम बाइक ले रहा है तो उसको प्रीमियम सर्विस मिलनी चाहिए, वो उसका हक है। नहीं मैं कह रहा हूँ सबको देनी चाहिए प्रीमियम सर्विस यार, आप सर्विस कराने आपके पास कोई बंदा आ रहा है, आप उसे सर्विस कॉस्ट ले रहे हो बाहर से, अगर वो देख रहा है ज़्यादा सर्विस कॉस्ट आपको दे रहा है तो वो कुछ समझ समझ के दे रहा है ना आपको, तो प्रीमियम सबको मिलनी चाहिए। भाई एक बार इतना फ्रेम में आओ भाई, ये बताओ, देखो मैं कह रहा हूँ आप कोई भी बाइक है बजाज की, बजाज को क्या करना चाहिए ना, बजाज के सर्विस सेंटर देखोगे ना अंदर से सारे अलग 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 तरीके से, कोई अलग तरीके से बनाए, कोई अलग तरीके से बनाए, कोई अलग बनाए, कोई कैसे बनाए, बजाज को क्या करना चाहिए अपने सारे सर्विस सेंटर्स को पहले जो उसका एक प्रॉपर तरीका है जो अंदर बने होते हैं इस तरीके से उसको सेम करना चाहिए, ताकि सारे सर्विस सेंटर अंदर से सेम हो, कि बंदा ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाए उसको एक्सपीरियंस सेम मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बजाज के अंदर कमी है कि जो बजाज इंप्रूव नहीं कर रहा। आप बाइक अच्छी बना रहे हो, बजाज जो 250 आई है पल्सर भाई बहुत अच्छी क्वालिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है, डोमिनार भी बहुत ज़बरदस्त है, 400 डोमिनार भी बहुत ज़बरदस्त है, मेन है क्वालिटी भाई, क्वालिटी तो इंप्रूव करो ना, सर्विस क्वालिटी। बजाज बाइक खरीद ली एक बार बंदे ने, उसके बाद उसको सर्विस करानी है, सारी ज़िंदगी सर्विस करानी है, बंदा 5 या 6 साल तो बाइक रखेगा, लेने के बाद 6 साल सर्विस करवाएगा, उसका सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा बाइक का। रोहन भाई मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा इसमें, सर्विस इनको ऐसी देनी चाहिए कि बंदा 3 सर्विस के बाद भी दोबारा आपके पास आए, वो कोई बाहर अपना सेकंड ऑप्शन ना ढूंढे, उसका पहला ऑप्शन आप ही होने चाहिए। अगर आप सर्विस अच्छी नहीं दे रहे हो तो, मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ है सर्विस का, अब मैं सोच रहा हूँ कि 3rd सर्विस के बाद मैं दूसरा ऑप्शन ढूंढूँ, दूसरा ऑप्शन ढूंढोगे भाई। ये ना यही लोग परेशान है कि बजाज से, कि भाई सर्विस अच्छी नहीं दे रहा बजाज, भाई सर्विस को इम्प्रूव करो भाई, बहुत सारे तरीके हैं, बजाज से बहुत प्यार है, मैं भी आज तक पल्सर यूज़ कर रहा हूँ, आज भी मेरा पल्सर है, फ्यूचर में भी जाऊंगा ना डोमिनार खरीदूंगा, लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बंदे को सर्विस नहीं दोगे, सर्विस अपनी अच्छी करो, पैसे में भाई पैसे कोई देने में नहीं थकेगा, आप बजाजी के टी एम भी बजाजी यूज़ कर रहा है ना, हस्क्वर्ना भी बजाजी यूज़ कर रहा है ना, पीछे से बजाज को सर्विस दे रहा है, भाई आप बजाज के जो अपने ओनर है, जो बजाज की अपनी बाइक से आप सेल करो उसकी भी सर्विस तो दो ना, बंदे कहाँ जाएँ सर्विस कराने, उसकी के टी एम में थोड़ी सर्विस कराने जाएंगे, आप अपने बजाज के सर्विस सेंटर ऐसे करो, सारे सेंटर एक जैसे होने चाहिए सर्विस सेंटर, किसी में जाओ कहीं अलग, कहीं तो ढंग से बैठने की जगह नहीं है, जहाँ से बाइक करा के आए हैं वो पता है, वो वहाँ पे ढंग की बैठने की जगह नहीं है, जो कस्टमर्स के लिए वहाँ पे नाम का एसी लगा रखा है, एसी भी नहीं चलता, कुछ नहीं चलता, ढंग की बैठने तक की जगह नहीं है, तो भाई ये सब कौन देखेगा, बजाज ही देखेगा तो कौन देखेगा, बजाज को तरीके देखना चाहिए, बाइक अच्छी निकाल रहे हो लेकिन आफ्टर सेल्स अच्छी नहीं है तो फिर भाई आपकी कोई बाइक नहीं बिकेगी, सब बेकार है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा इंप्रूव करो, बाकी भाई ने जो रिव्यू दिया अगर आपको अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी नहीं तो भाई का मैं यहाँ पे आपको वो भी दे दूंगा, भाई का इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा, भाई से कोई क्वेश्चन करना चाहते हो डोमिनार को लेके तो भाई के इंस्टाग्राम पे जाके सीधा क्वेश्चन कर लेना वहाँ से, ठीक है, और भाई के इंस्टाग्राम में अमेजिंग ट्रैवलर के नाम से है, भाई दिखा दो, भाई ने ऐसे भी लिखा रखा है देख लो अमेजिंग ट्रैवलर, और अगर आपको कोई भी चीज़ भाई से क्वेश्चन करना है डोमिनार को लेके, भाई का इंस्टाग्राम ओपन है, जाओ मैसेज करो, डीएम करो, वहाँ से भाई से कॉन्टैक्ट करो, और बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी आपसे मिलते हैं और अगली अच्छी वीडियो में, जब तक लिए टिल देन सी यू, ओके।